जाना मेरी जान है मन, अगर लाइफ पे है तुम्हें कुछ बड़ा करना तो अपने काम में मन लगाना रे। टाइम वेस्ट के चक्कर में ना तुम कभी पढ़ना रे, फालतू फालतू बातों में फोकस नहीं गवाना रे। नमस्कार दोस्तों, मैं मंजुल, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर इनविंसिबल में। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो काफ़ी रोमांचक और काफ़ी मोटिवेशन देने वाली वीडियो है, इसलिए बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, क्या आप वायरस के बारे में जानते हैं? आप जानते हैं वायरस के बारे में? आपका मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप हैंग हो जरूर होता होगा, कभी स्लो हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी नेट चलता ही नहीं है। जिस प्रकार से हमको सक्सेस होने से रोकने की चीज़ें हैं, जैसे टाइम डिले करते हैं, अनपंक्चुअलिटी, लेजीनेस, वेस्ट ऑफ टाइमिंग, वायरस का काम करता है, यानी कि हमें सक्सेस होने नहीं देता है। दोस्तों, मेरा मकसद है यहाँ पर वायरस के बारे में बताना। वायरस के बारे में आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन वायरस जो होता है दोस्तों, वायरस का पूरा पूरा फुल फॉर्म जो है वो है वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। वाइटल मतलब बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को सीज मतलब आपसे वो कर लें, जब्त कर लेना, गिरफ्त में ले लेना अपने। तो ये क्या करती है वायरस, अपने अटैक में ले लेती है। ये इंसानों द्वारा बनाए गए ये सब कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होती है जो हमारे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को चुरा लेती है, भंग कर देती है, कुछ फाइल्स को डिलीट कर देती है ऑटोमेटिक, या फिर यूज़र के बिना इन्फॉर्मेशन के, यूज़र को मालूम ही नहीं रहता है, लेकिन वहाँ से सारी फाइलें डिलीट हो जाती है या चुरा कर किसी दूसरे को भेज देती है। इस प्रकार का काम करती है वायरस, या सिस्टम को बहुत ही स्लो कर देती है। तो दोस्तों, कंप्यूटर वायरस के कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। बूट सेक्टर वायरस, डायरेक्टरी वायरस, फेड वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस, रेजिडेंट वायरस, रेट्रो वायरस, स्पेस फिलर वायरस। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ, कंप्यूटर वायरस के बारे में, क्या कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, तो आप लोग सोचना भी सही है, ये क्यों करा रहा है, ये क्यों पढ़ा रहा है। दोस्तों, कंप्यूटर वायरस के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा आज का जो हीरो है, आपने इस हीरो को पहचाना होगा, इस हीरो को भी पहचाना होगा, लेकिन क्या इस हीरो को पहचानते हैं? जी हाँ, इनका नाम है कैलाश काटकर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैलाश काटकर जी के बारे में, जो क्विक हिल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फाउंडर हैं। उन्होंने कैसे शुरू किया, एक जीरो से किस प्रकार से 2000 करोड़ की कंपनी बनाई, इस प्रकार वो फर्श से अर्श तक पहुँचे, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बताने वाले हैं दोस्तों। अब कैलाश काटकर जी इतने ज़िद्दी इंसान थे कि इनके आगे सारी समस्याएं झुक जाती थी, सारी समस्याओं को इस तरह सॉल्व करते थे, समस्याएं कब समाधान में बदल जाती थी मालूम ही नहीं चलता था। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी ठहर जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जीत पे होती है। तो बिना देरी किए चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कैलाश काटकर जी का जन्म जो है वो 1 नवंबर 1966 को महाराष्ट्र के महाराष्ट्रियन फैमिली में हुआ था। महाराष्ट्र में गांव है जहां पर अहमदपुर बोल के, वहां पर उनका जन्म हुआ था। ये एक छोटा सा विलेज है दोस्तों। इनकी घर की माली हालत कुछ ठीक नहीं रहती थी, ये बहुत ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। परिवार तो गरीब थे ही, ऊपर से इनको स्कूल में पढ़ाया गया, उनके पिताजी ने पढ़ने के लिए भेजा, तो इनको स्टडी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। जैसे तैसे करके उन्होंने 10th SSC पास किया, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। 10-11 साल की उम्र में इन्होंने स्क्रीन पेंटिंग का काम शुरू किया था, क्योंकि इनको अपने घर की आर्थिक हालत को देखकर तरस आ गया था और इनसे रहा नहीं गया था, तो उन्होंने वो ज़बरदस्ती वो काम स्टार्ट कर दिया था। उस समय ये क्लास 5 में पढ़ रहे थे जब इनका एज 10 से 11 साल का था। लेकिन बंदे में एक बात थी, उनको टेक्नोलॉजी चीज़ों से बहुत ही इंटरेस्ट था। आजकल जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म कोर्सेस है, जैसे कंप्यूटर कोर्स, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, रेडियो रिपेयरिंग कोर्सेस, उस समय भी हुआ करती थी, तो पिताजी के पास इतना पैसा तो नहीं था कि उनको बड़े महाविद्यालय में प्रवेश मिले, उनको वहाँ एडमिशन कराए, पढ़ने के लिए भेजे। तो उन्होंने क्या किया कि खुद से थोड़े थोड़े पैसे जमा करके शॉर्ट टर्म कोर्सेस करते थे, कभी मोबाइल रिपेयरिंग का, कभी कंप्यूटर रिपेयरिंग का, कभी रेडियो रिपेयरिंग का, इस प्रकार से कोर्स करते रहते थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी में इनको बड़ा इंटरेस्ट था। तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने रेडियो रिपेयरिंग का काम सीखा और तब घर से ही ये काम करते थे, तो महीने के ये 1500 से 2000 रुपये तक का इनकम होता था। 10वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद इन्होंने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया था। देखते रहते थे संसार को कि इसमें नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है, कभी ATM मशीन आ रही है, कभी क्या आ रही है, कभी मोबाइल अलग अलग प्रकार के आना शुरू हुआ, तो इन सब चीज़ों को देख कर उन्हें न्यू टेक्नोलॉजी सीखने का बहुत ज़्यादा शौक हुआ। तो क्या किए कि ये पढ़ाई छोड़ने के बाद ये कैलकुलेटर रेडियो रिपेयरिंग सेंटर में जॉब करने लगे,
जहाँ महीने के उनको 350 रुपये मिलता था। तो उस सेंटर में भी जब वो काम करते थे तो उनको उनको सारा काम खुद करना पड़ता था, क्योंकि उनकी कम उम्र होने के कारण दुकान की सफाई, चाय वाय लाने का काम भी इन्हें करना पड़ता था। लेकिन उनका ये मकसद था इस काम के पीछे, इस काम को, ये कैलकुलेटर और रेडियो रिपेयरिंग काम करने के पीछे उनका एक मकसद था कि कैलकुलेटर रिपेयरिंग और ऑफिस इक्विपमेंट्स, ऑफिस का उपकरणों को रिपेयर करने सीखना ही इनका एक मकसद था। 24-25 के उम्र तक उन्हें उसी सेंटर, उसी जॉब में काम किया। बाद में इन्हें मुंबई भेजा गया ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि उस कंपनी की मुंबई में एक अन्य ब्रांच थी जहां ट्रेनिंग होता था। कुछ सालों तक उन्होंने वहीं पर रेडियो एंड कैलकुलेटर रिपेयरिंग का काम में महारत हासिल की, उसके मास्टरिंग की उसमें, और वहीं से उन्होंने बिजनेस चलाने का अनुभव भी प्राप्त किया। फिर उसके बाद यह सब करने के बाद उन्होंने यही सोचा कि ना किसी से जलन ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिलें मेरी अपनी दौड़, ये सोचकर फिर वो वहाँ से चल दिए। और 1990 में इन्होंने पहली बार अपनी दुकान खोली। पहले साल उस शॉप से उनको 45,000 रुपये का कमाया हुआ था। और उसके बाद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में इन्होंने बदलते समय के साथ, बदलते समय को देखते हुए इन आप खुद को अपग्रेड करना शुरू किया था, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी सीखते रहते थे दुकान चलाने के साथ साथ, क्योंकि उन्हें मालूम था आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग, और कभी लगे रहो बस रुकना मत, आएगा हमारा दौर कभी। फिर 1993 में इन्होंने कैट कंप्यूटर सर्विसेज एंड मेंटेनेंस का काम भी शुरू किया। इसका काम था जैसे कि ऑफिस वगैरह में अलग अलग जगहों में कंप्यूटर का रिपेयर करवाना और कंप्यूटर का जितना भी मेंटेनेंस है, ये सारे काम की जिम्मेवारी लेने वाला एक कंपनी बनाई थी। लेकिन आगे बढ़ने में इनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तब इन्होंने अपनी मेहनत व लगन से न्यू इंडिया इंश्योरेंस जैसे कॉरपोरेट से एनुअल मेंटेनेंस का काम लेने में सफलता हासिल की, और साल भर में उनका टर्नओवर 1,00,000 से ऊपर पहुंच गया। उस समय दोस्तों कंप्यूटर की जो प्रचलन है, कंप्यूटर का जो लोकप्रियता है, बढ़ती जा रही थी। और एक चीज़ बढ़ती जा रही थी, वो है फ्लॉपी वायरस की समस्या, कंप्यूटर वायरस की समस्या। तो उस समय कैलाश के स्टोर्स में वायरस से लड़ने के लिए कोई उपकरण नहीं थे, तो इसके लिए उनके पास एक ही सॉल्यूशन था, फॉर्मेटिंग एंड रीइंस्टॉलिंग। और वैसे ही धीरे धीरे इंटरनेट की लोकप्रियता भी बढ़ने लगी, उसी के साथ इंटरनेट वायरस की समस्या भी फिर बढ़ने लगी। और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी काफ़ी महंगे थे, जिस कारण से उन्हें अफोर्ड कर पाना भी मुश्किल था। कि कैलाश भी कुछ न्यू आइडिया सोच रहे थे, कुछ चीप एंड बेस्ट, कुछ सस्ती और क्वालिटी वाली, कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर की तलाश में थे जिसे वायरस से बचा जा सके। और असली के बाजीगर कोई और नहीं बल्कि कैलाश काटकर ही है, क्योंकि हार जाते हो तो कोई बात नहीं, एक दिन जरूर जीत जाओगे, और हार के भी जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। तो सोचते सोचते कैलाश इस नतीजे पर पहुँचे कि उन्होंने अपने छोटे भाई संजय को कंप्यूटर वायरस की समस्या के लिए टूल्स बनाने को कहा, क्योंकि संजय उस समय पुणे में BCS यानी कि बैचलर ऑफ साइंस की पढ़ाई कर रहे थे। तो भाई की मदद के लिए संजय ने एक काफ़ी मेहनत करके कैट, उनका जो कैलाश का जो शॉप था कैट, जो 1993 में उन्होंने एस्टैब्लिश किया था, उस कैट के लिए एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मॉडल बनाकर पेश किया, और ये टूल काफ़ी अच्छा काम भी करने लगी। तो पहले तो कस्टमर को ये टूल फ्री में देना शुरू किया था, और सभी को ये एंटीवायरस टूल काफ़ी पसंद भी आया था, लोग इसकी वाहवाही करने लगे थे। तो उसी दौरान एक कस्टमर ने उनसे कहा कि आपका जो एंटीवायरस टूल है वो तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से भी काफ़ी अच्छा काम करता है, आपको अपना एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए। ऐसा सजेशन उस कस्टमर ने उनको दिया। कस्टमर के फीडबैक को उन्होंने फीड फॉरवर्ड पे कन्वर्ट करते हुए आगे की राह, उन्हें एक आइडिया आया। तो कस्टमर के इस प्रोत्साहन से संजय बहुत ही प्रोत्साहित हुए, बहुत ही मोटिवेटेड हुए, और उन्होंने काफ़ी कड़ी मेहनत करके 1995 में क्विक हिल नाम से सॉफ्टवेयर का पहला वर्जन मार्केट में लॉन्च किया, जिसका जो प्राइस है वो मार्केट में अवेलेबल जितने भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उनसे काफ़ी कम था ये, और कस्टमर के लिए बहुत फ़ायदेमंद था, अच्छा भी है और बेस्ट भी है, तो कस्टमर क्यों नहीं लेगा भाई, तो लेना स्टार्ट कर दिया। लेकिन शुरुआत में सॉफ्टवेयर को मार्केट में बेचने में काफ़ी कठिनाई आई, काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे सारे समस्याओं का हल निकालते गए। तो 1996 से 1997 में उनका जो टर्नओवर था वो 12,19,095 के करीब था। अब क्या था, अपना सॉफ्टवेयर होने के बावजूद इसे मार्केट पर बेचना और लोगों में इसका विश्वास बनाना काफ़ी मुश्किल था।
एक समय तो ऐसा है कि कैलाश कंपनी बंद करने की सोचने लगे। बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही थी, कंपनी में पैसे नहीं बचते थे। तो उन्होंने उस टाइम संजय उनके जो छोटे भाई थे उनको एक आइडिया आया और उन्होंने सोचा कि कुछ मार्केटिंग प्रोफेशनल को हमारे साथ जोड़ते हैं, उसके बाद हम लोग मार्केटिंग अच्छा से करते हैं, ब्रांडिंग अच्छा से करते हैं। तो उसके बाद उन दोनों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहते भी है मैदान में हारा हुआ इंसान सकता है लेकिन मन से हारा हुआ इंसान जीत नहीं सकता, इसलिए मन से हारा नहीं वो आदमी कैलाश काटकर जी जो है, मन से हारा नहीं, वो आगे बढ़ते गए। तो उसके बाद कंपनी लगातार ग्रो करने लगी, लगातार आगे बढ़ने लगी। तो बढ़ती कंपनी की ज़रूरतों को देखते हुए 2002 में 25 लाख रुपए में इन्होंने 2000 स्क्वायर फुट का ज़मीन खरीदा पुणे में और ये उनका पहला ऑफिस था। फिर उसके साथ 2003 में नासिक में कंपनी का पहला ब्रांच भी खोला गया। उसके बाद तो जिस प्रकार से पेड़ का ब्रांच निकलते हैं उसी प्रकार से इसका कंपनी का बहुत सारा देश भर में ब्रांच होने लगा और धीरे धीरे कंपनी ने सिर्फ कंप्यूटर एंटीवायरस पर फोकस नहीं किया बल्कि अन्य अन्य क्षेत्रों में भी प्रवेश किया, जैसे कंप्यूटर स्पीड, मोबाइल सिक्योरिटी, गेटवे लेवल प्रोटेक्शन आदि। फिर वर्ष 2007 में कंपनी का नाम बदलकर क्विक हिल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड रखा गया। फिर 2008 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ एक बहुत बड़ी डील हुई इनकी और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सर्टिफाइड पार्टनर बन गए। फिर हुआ सोने पर सुहागा, 2010 में कंपनी को 60 करोड़ का लोन प्राप्त हुआ सॉफ्टवेयर एंड मार्केट डेवलपमेंट के लिए। कंपनी ने क्या किया, अपने विस्तार के लिए विदेशों में भी अपने ऑफिस खोलने लगे ये लोग। आज क्विक हिल 36 से ज़्यादा शहरों में 1300 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ यहाँ पर काम करते हैं। विश्व में लगभग 70 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव लाइसेंस यूजर्स है क्विक हिल के और विश्व में 7.1 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव लाइसेंस यूजर है क्विक हिल के। 1 मिलियन में 10 लाख होती है, 1 मिलियन में 10 लाख, 7.1 मिलियन एक्टिव लाइसेंस यूजर्स हैं इनके पास। 100 से ज़्यादा देशों के कस्टमर्स क्विक हिल को यूज़ करते हैं एंटीवायरस के रूप में। जापान, यूएस, केनिया, यूएई में क्विक हिल के खुद के ऑफिस हैं। क्विक हिल के देश भर में 20,000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स और चैनल पार्टनर्स हैं। तो इस तरह से दोस्तों कैलाश काटकर की कहानी समाप्त होती है। गिरने की डर से अगर चलना ही छोड़ दे तो कभी गिरने सीखेंगे ही नहीं। हमें चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को हासिल करते रहना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों। थैंक यू।